रहमान रहीम, पिंडी के गैरतमंद मुजाहिदों, गाजियों, मुहिब वतन पाकिस्तानियों, जिस वक्त मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, इस वक्त मीटिंग हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। हमें जिन लोगों ने ये समझ रखा है या ये समझ रखा था कि शायद हम डर जाएंगे, हम बुजदिल हैं, हम नस्ली हैं, हम असली हैं, हम पिंडीवाल हैं, जिसके साथ खड़े होते हैं चट्टान की तरह खड़े होते हैं, और एक वहां टिब्बी ला के बैठा दिया है आसफ जरदारी का बाल का बगल बच्चा। मैं अभी जाकर जाऊंगा और इमरान खान साहब को गुजारिश करूंगा कि इसने हमारा क्या बिगाड़ना है। नवाज शरीफ साहब, मैं लंदन गया, आपके साथ वाले दफ्तर में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आप तो घर से निकल ही नहीं सकते थे। मैंने कहा आप सुन लें, ये आपके लिए लाया है। हमें तो दो वोटों से हरा दिया गया। अब पंजाब में जो आपकी रही सही कसर है, ये मोहसन बचपन से मेरे पास है। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये आपका काम तमाम करने के लिए लाए हैं। एजेंडा क्या है? एजेंडा मैं सारी कौम को बताना चाहता हूं। एजेंडा ये है कि मकबूल महबूब इमरान खान कबूल नहीं है। मेरी बात सुने, मैं बहुत संजीदा बात करके लाहौर जाना चाहता हूं कि मकबूल और महबूब और आवाम का दिल पसंद लीडर पसंद नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। मैं 16 दफा अल्लाह के हुक्म से इस लाल हवेली के कदमों तले ये झंडा लहरा के ये बात कहने जा रहा हूं कि ये 13 जमातें डरी हुई हैं इलेक्शन से। इसलिए हमें मोहसिन नकवी पे वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये चले हुए कारतूसों की एक और नाकाम साजिश है। ये जो कदम उठाते हैं इनके गले पड़ जाता है। फुआद चौधरी इंशाल्लाह 2 नफलों की मार नहीं है, ये केस शाम को घर आ जाएगा। कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा, तरसों आ जाएगा। जेल कोई गिरती है, इन्होंने एक इन्होंने तहिया कर रखा है कि माइनस इमरान खान ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। कान खोल के सुन लो, मैं पाकिस्तान का सबसे सियासी सीनियर वर्कर हूं। मैंने बाचा खान और बुगटी के साथ सियासत की है, शोरश के साथ और ताजपुरी के साथ, खत्म नबूवत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी के साथ की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कदम उठाओगे आपके गले पड़ेगा। इमरान खान मजीद मजबूत और मकबूल हो जाएगा और कबूलियत की तरफ चला जाएगा। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, हम आईन और कानून के दायरे में रहना चाहते हैं, हम उलझाओ और टकराव नहीं चाहते। लाल हवेली कभी ना एस्टेब्लिशमेंट से लड़ी है ना लड़ेगी, ना हमारा इरादा है। लेकिन 60 साल की सियासत में आज बच्चे जवान हो गए हैं, दादे हो गए हैं, कई हमारे साथी मुझे नजर आ रहे हैं, गिरफ्तारियां देने के लिए लाल हवेली में नाम लिखवाने शुरू किए जाए सोमवार के दिन से। अगर आज कोई फैसला हो जाए, तमाम हमारे साथी पीटीआई के लोग, अवामी मुस्लिम लीग के लोग, और खास तौर पर वो लोग जो महंगाई के मारे हैं, जो डॉलर के, और ये कहते हैं कि मैं अपनी सियासी कमाई, और तेरी कमाई क्या है, सियासी तवायफों की क्या कमाई होती है? शहबाज शरीफ, तुम इस पाकिस्तान की क्रिस्टाइन किलर हो, तुम वो सियासी तवायफ हो, 2 वोटों से तुमने चलते हंसते खेलते मुल्क को तबाह किया, अब तुम्हारी बारी है। नवाज शरीफ, मैं यहां से कह रहा हूं, मोहसिन नकवी आपके लिए आया, पीटीआई मेरी बात को बुरा ना मनाए, उसमें इतनी सख्त ही नहीं है, उसका निचला हिस्सा काम ही नहीं करता।
उसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, उसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, नवाज शरीफ उसका इंजन धुआं दे रहा है, ये तुम्हारी बारी है कि तुम अब अपना क्या बयानिया दोगे। इमरान खान अगर जेल में होगा तो किसी का बाप भी उसके खिलाफ पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकता है, लोग बाहर निकलेंगे, आईनी और कानूनी तरीके से निकलेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में, जब मेरे 10 मिनट मुझे पूरे बता देना, मुझे है अभी 3 मिनट, कोई ये समझ रहा है, मैं आपको लोगों खुदा को गवाह बना के कहता हूं, जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि पाकिस्तान की कौमी सालमियत को खतरा लाहक हो गया है। हम उस जगह जा रहे हैं कि लोग हमसे हमारे असासे लेने की बात करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, अपने बच्चों को भूखा बिलखता देख लेंगे, लेकिन इस मुल्क के कौमी असासे नहीं बिकने देंगे। बिलावल भुट्टो तुझे बेच देंगे, शबास तेरे गंदे कपड़े लंडे से भी कम कीमत पे बेच देंगे। हम इस पाक फौज और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम इस मुल्क के असासों पर जिन आलमी ताकतों की नजर है, इनको कोई पैसा नहीं मिलने लगा। हिम्मत नहीं हारनी लोगों, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, तमाम गली मोहल्लों में निकल जाओ, मैं खुद हर रोज एक मोहल्ले में आया करूंगा। मेरा आपसे वादा है, मैं कोई इलेक्शन की सूरत हाल को मैं जानता हूं, लोगों को मायूस नहीं करना चाहता, ये इलेक्शन से भागे हुए लोग हैं। मैं मीडिया के सामने कहता हूं, ये 13 पार्टियां इस काबिल नहीं है इलेक्शन में जाएं। 90 दिन इलेक्शन आइन कहता है कि तारीख आनी चाहिए, और ये फवाद चौधरी को गिरफ्तार करें, किसी और को भी, हमें भी कर लें, क्या है जी? क्या पाकिस्तान की तारीख में, आज मैं पहली दफा राजा साहब से मुखातिब हूं, मेरे साथ 3 साल उन्होंने काम किया, कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप पर्चा काट रहे हैं फवाद पे, कोई अकल है आप में? आप इस मुल्क को कहां लेके जा रहे हैं? मैं आज लाल हवेली के नीचे अपनी अजीम अफवाज को यह कहना चाहता हूं, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं, मैं अपनी अजीम फौज को यह कहना चाहता हूं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, और हम पाकिस्तान में खाना जंगी को देख रहे हैं और जमहूरियत को शदीद खतरा लाहक है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क में ये चोर चक्के डाकू, ये 13 बंदों के तो किसी को नाम ही नहीं पता, कहते हैं हम खर्चा कम करने लगे हैं, 77 वजर हैं, 77 जिसमें 28 के पास महकमे ही नहीं है, 77 वजर हैं, 28 के पास महकमे ही नहीं है। बिजली का बिल इस महीने जब ये देने जाएंगे लोग, तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपके बयानिए को हमसे ज्यादा, आपने, आपको तो यही था ना कि हमारी हुकूमत ना रही, हम मर तो नहीं गए, इमरान खान आगे से बेहतर पोजीशन में है, उसकी जान लेने की कोशिश की गई है, उसको जहर भी दिया जा सकता है, उसको स्लो पॉइजनिंग भी की जा सकती है, उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इन सारी चीजों के लिए हम कानून और आइन के दायरे में रहते हुए लाल हवेली अपना किरदार अदा करेगी, जिद्दोजहद में हम इमरान खान के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। बाकी आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, 10 मिनट से ज्यादा मैं नहीं लेता, आखिरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि मईशत तबाह है, सियासी अदम इस्तेकाम है, समाज तबाह है, तवानाई तबाह है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है। मीडिया वालों सुन लो, सारे मीडिया मालकान सुन लो, खुदा के लिए अपने इन कैमरा मैनों को कब्रस्तानों में भेजो, आबादियों में भाव मंडी का ना पूछें। तमाम मैं मीडिया ओनर से कहता हूं कि टमाटर घी और प्याज का वक्त पूछने का गुजर गया है, इन कैमरों को कब्रस्तान में पहुंच भेजो, वहां बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप कब्र का खर्चा नहीं दे सकते तो इस मोबाइल नंबर पे फोन करें, इस मोबाइल, यानी कौम कब्र का खर्चा नहीं दे, शहबाज शरीफ कब्र माफ कर दो, कब्र की कीमत खत्म कर दो, मुर्दों मुर्दों
की सोच लेके आने वाला ये खानदान जो कह रहा है कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं अपनी सियासी कमाई, इस खानदान में फूट पड़ गई है शबास। तुम अगर समझते हो कि मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं 5 दिन लंदन रह के आ रहा हूं, अभी आपके बाद वजीर इस्तीफा देंगे इलेक्शन कंपेन करने के, फजूल इस्तीफे देंगे ये, क्योंकि ये अवाम में जाने के काबिल ही नहीं है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। जितने वजीरों से आप ये 70 वजरा को कम करने का बहाना है कि इनसे इन्होंने इलेक्शन मुहिम करानी है, मैं अपनी पुलिस से भी कहना चाहता हूं, मैं अपनी फौज से भी कहना चाहता हूं, मैं अपने अस्करी इदारों से भी कहना चाहता हूं, खुदा के लिए अवाम ही फौज है, अवाम का नाम रियासत है, अवाम दुखी हो तो फौज दुखी है, अवाम सुखी हो तो फौज सुखी है, लोग दुखी हैं, लोगों पे तशद्दद ना करना, लोगों ने निकलना है। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, सब अदारों को सुना रहा हूं, मैं सियासी वर्कर आपको सुना रहा हूं कि ये मार्च अप्रैल इंतहाई सियासी तौर पर खौफनाक है, गंभीर है, संगीन है। हालात को बदलो, लोगों को वोटों की तरफ जाने दो, और जब लोग वोटों की तरफ जाएंगे तो आपको गैर मुल्की मदद भी मिल जाएगी। इन चोरों लुटेरों डाकुओं को, वो बिलावल तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा, उसका दिल ही लगा हुआ है, वो अपनी मारों में है, मौज मेला में है। और मोहसिन नकवी का ज्यादा नोटिस मत लो, मैं मुझसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में मुझसे ज्यादा मोहसिन को कोई नहीं जानता, वक्त जाया ना करो। ये आसफ जरदारी की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है, उसका मनी लॉन्डरर है, उसकी मनी इकट्ठी करके बाहर भेजने वाला एहलकार है। और मुनस ने मुझे कहा, मैं किसी पे गैबत का इल्जाम नहीं लेना चाहता, मुनस ने मुझे कहा कि शेख रशीद परवेज, हम दोनों भाइयों को लड़ाने का सारा किरदार मुनस ने अदा किया और उसने मोहसिन ने अदा किया। मुनस ने मुझे कहा कि सारी पेमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट की मनी चेंजर में हुई, ये सारे पैसों का लेन देन इसके जरिए हुआ। मुनस ने ही मुझे ये कहा कि शेख रशीद, उसे वक्त से पहले पता था कि ये ऐसी गेम खेलने जा रहे हैं, एक ही गेम है। लास्ट मेरा फिक्रा सुन लें, इनकी एक ही साजिश है कि इमरान खान को माइनस किया जाए, इमरान खान को मकबूलियत की उस मेराज पर ना रखा जाए कि वो दो तहाई ना ले सके, वो दो तहाई ना ले। लेकिन याद रखो, जो आदमी पर्ची इनके पोलिंग स्टेशन से कराएगा, वो भी जाके इमरान खान को वोट डालेगा। ये वन वे इलेक्शन होगा, और ये दोनों सूबाई असेंबलियों में आपको पता लग जाएगा ये वन वे इलेक्शन है। आपने इश्तजाज पे जाना है इलेक्शन कमीशन तक, राशिद साहब का इसरार है। राशिद साहब को मैं और सारी पीटीआई को मेरी तरफ से इजाजत है, पुरमन जाना है। किसी चीज को कोई आपके साथ ज्यादती भी करे तो आपने नहीं करनी। अभी 2 महीने इंतजार करना, 90 दिन की जंग है, 100 दिन की जंग है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जीतेगा, अवाम जीतेंगे, आप जीतेंगे, इमरान खान जीतेगा और गरीब आदमी जीतेगा। ऐलान करें, हम मान जाएंगे, कहें तो सही ना। देखें, वो इलेक्शन कर रहे हैं, वो तो पर्चे काट रहे हैं। 90 दिन के अंदर गवर्नर पाबंद है इलेक्शन कराने के। 2 सवाल और दे। जी आपने दौर में आपसे मुझसे यही धोखा थी, अब आ गए आप, तो आपका चेहरा तो आगे भी खराब हुए, एक बड़े इदारे से यहाँ से भी होंगे। जी आप पर्सनल हो, अगर बड़ी नहीं, मैं पर्सनल हूँ आपके साथ, मुझे आपकी सोच का पता है। छोटा सवाल, मैंने तो उसका नाम नहीं लिया। मैं अब नाम लेता हूँ, राणा सनाउल्ला चोर है, डाकू है, बदमाश है, बेईमान है। और जो तुम्हारा चैनल, तुम जैसा चैनल उसको शक्ल दिखाए, लोग थूकते भी नहीं है उस चैनल। बस हो गया तेरा सवाल, छोड़ो पर अब तीसरा। तुम साफी नहीं हो, साफी का कोई सवाल है तो करे जी।
अगर मेरी गिरफ्तारी हो मेरे लिए आपने निकले इमरान खान के, मैं अंदर खुश हूँ, मेरा ससुराल है वो।